जो नेक्स्ट सवाल आया है वो ये है कि क्या सेक्स के पहले स्प्रे का इस्तेमाल करना सेफ है, क्या उससे सेक्स का टाइम बढ़ जाएगा। तो अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग खुद से करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्प्रे अवेलेबल हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं खुद से। बेसिकली लोग करते क्या है कि सेक्स के पहले अपना वो स्प्रे को लिंग पे डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, और उससे टाइम बढ़ जाता है। टाइम कैसे बढ़ता है, ये स्प्रे जो होते हैं आमतौर पर इस पर एनेस्थेटिक एजेंट होता है लिडोकेन नाम का। लिडोकेन का काम क्या है, आपकी जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, उसको ब्लॉक टाइप कर देता है। तो नर्व्स ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज होता कैसे है, जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं आपका एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है, जब पीक पे पहुंचता है तो इजैकुलेशन हो जाता है। अब जो नर्व उस एक्साइटमेंट को लेके जा रही है, अगर उसको आपने ब्लॉक कर रखा है, उसको नम कर रखा है, तो आपका एक्साइटमेंट धीरे धीरे करके बढ़ेगा और काफ़ी लंबे टाइम के बाद डिस्चार्ज होगा, ये उम्मीद होती है। कुछ लोगों में ये काम कर जाता है, ज़्यादातर लोगों में क्या दिक्कत आती है, जब वो स्प्रे कर लेते हैं लिंग पे तो उनको नम सा लगने लगता है, उनको लिंग नम सा लगने लगता है, फील ही नहीं होता है। तो जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो आपको कुछ फील ही नहीं होगा, तो पहली बात तो आपको खुद से इंजॉयमेंट नहीं फील होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो आपका इरेक्शन ख़राब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्प्रे करने के बाद उनका इरेक्शन ख़राब हो जाता है क्योंकि नम सा फील करने लगते हैं। कई बार आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा टिकलिंग सा फील हो सकता है या थोड़ी इरिटेशन सी फील हो सकती है। तो स्प्रे यूज़ करने का तरीका तो यही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोगों में इरेक्शन ख़राब हो जाता है और कुछ ही लोगों में काम करता है। इसी तरीके से कुछ कॉन्डम्स भी आते हैं जिसको, जो कि लॉन्ग टाइम वाले होते हैं, उसमें भी वही होता है, एनेस्थेटिक एजेंट होता है, बेंजोकेन होता है उसमें आमतौर पर, वो भी वैसे ही काम करता है नसों को थोड़ा सा नम करके। कुछ लोगों को काम करता है, ज़्यादातर लोगों को जो हमने देखा है अपने पेशेंट्स में, उनको इरेक्शन की दिक्कत आने लगती है तो हम आमतौर पर लिखते नहीं हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए तो वैसे बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं और इफेक्टिव भी रहती हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सिर्फ स्प्रे का यूज़ करने की जगह किसी प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज शुरू करवाइए, उससे फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो मीसॉल्स के प्लेटफॉर्म को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि सेक्सुअल चीज़ों के बारे में एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाए हम आप लोगों तक, और आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।